लखनऊ में किसानों ने की पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर बैठक, एमएसपी गारंटी कानून बनाओ को लेकर की चर्चा। रायबरेली में अधिकारी लगा रहे सरकार के आदेशों को पलीता, अधिकारी कर रहे सरकारी जमीनों पर कब्जा। बदायूं में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी, टंकी निर्माण में लगाई जा रही घटिया सामग्री। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। एमएसपी गारंटी कानून बनाओ और अग्निपथ गारंटी रद्द करो जैसे मुद्दों पर आज किसान संगठनों ने चर्चा की। ये चर्चा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के आवास पर की गई। बैठक में किसानों ने, मजदूरों ने कई मुद्दों पर चर्चा की और अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करने की बात कही। किसानों ने कहा कि कब तक किसान अपने अधिकारों के लिए आजाद भारत में सड़कों पर संघर्ष करता रहेगा, अपने परिवारों के लोगों को आंदोलन में शहीद होता रहेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नक्शे कदमों पर चलकर किसान लोकतंत्र में वोट और कलम की ताकत से अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधारेगा, जिसको लेकर 11 सदस्यों की समिति भी गठित कर दी गई है। हम आज भी आप सबके माध्यम से सरकार से पूछते हैं, हमें 3 महीने का समय दिया गया था बोर्डर्स पर कमेटी बनाने के लिए, आज तक एमएसपी गारंटी कानून क्यों नहीं बना? अग्निपथ के लिए इन्होंने 3 महीने का समय मांगा था, हम कमेटी को रिव्यू करेंगे। आज अग्निपथ शहीद होके आ रहे हैं, उनको शहादत का दर्जा नहीं मिल रहा। कहाँ जाएंगे लोग, हमारे मजदूर भाई? कोरोना में क्या हालत हुई आप सभी ने देखा। इस देश की जो महिला पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था, उनको कुचला गया। कहाँ पर? दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास से जस्ट 1 किलोमीटर दूर। क्या उनकी गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा गया? लेकिन आने वाली पीढ़ी इस बात को याद जरूर रखे। या तो हमें हिसाब चाहिए सरकार से, जो 3-3 महीने की बात की थी। आप हम शासन प्रशासन की लाखों कोशिशों के बाद भी सरकारी जमीनों को कब्जाने के मामले नहीं थम रहे हैं। रायबरेली में सरकारी जमीन को कब्जाने की कोशिश की जा रही है। मामला सर्वोदय नगर से सामने आया, जहां 7.5 बिस्वा नजूल की जमीन पर आईआरएस अधिकारी प्रशांत सिंह द्वारा कब्जा करने की कोशिश की गई। प्रशांत सिंह जेसीबी के द्वारा नींव खुदाई कर रहे थे, जिसका विरोध मोहल्लावासियों ने किया, जिस पर विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, अधिकारी प्रशांत सिंह के चचेरे भाई ने राजेंद्र प्रताप सिंह को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। फिलहाल स्थानीय विधायकों के हस्तक्षेप के बाद जमीन पर चल रहे काम को रुकवा दिया गया है। समस्या ये है कि सर्वोदय नगर में मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे गाटा संख्या 126 है और वो नजूल की जमीन है। उस पर प्रशांत सिंह जी जो हैं वो अवैध कब्जा करवा रहे हैं। उनके रिश्तेदार हैं मनोज सिंह। कल हम लोग जब मोहल्ले वाले से भी रोकने के लिए वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वो मारपीट पर उतारू हो गए और चोटें भी मामूली आई हैं लोगों को। प्रशासन ने हस्तक्षेप किया तो लोग वहां पर गए और उन्होंने रिपोर्ट बनाई, लेकिन लेखपाल की उसमें बदायूं के सहसवान विकास खंड क्षेत्र के गांव समदा में जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने ठेकेदार पर खराब गुणवत्ता का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जिले में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना को लेकर गांव-गांव टंकी निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में समदा में ठेकेदार टंकी निर्माण की बाउंड्री वॉल में पीले ईंट का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका विरोध ग्राम प्रधान और ग्रामीणों द्वारा किया गया और मामले की शिकायत अधिकारियों से करते हुए ठेकेदार पर निर्माण में खराब गुणवत्ता की सामग्री लगाने का आरोप लगाया गया। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत यहाँ टंकी का बाउंड्री वॉल हो रहा है जी, जिसमें बिल्कुल घटिया सामग्री लग रही है। ईंट पीला लग रही है, भिगो के नहीं लग रही है, सूखी लग रही है। और क्या समस्या? और कहने पे ये मान नहीं रहे हैं, इसी तरीके से निर्माण करे पड़े हैं। आगे जो दिक्कत आएगी इसमें बहुत, जब नीबी अच्छी नहीं होगी तो आगे चुनाई बढ़िया नहीं। समस्या ये आ रही, सब घटिया सामग्री लगा रहे हैं और कहो तो दबंगड़ी दिखा रहे हैं। कह रहे हैं बोलो अभी दिखा दो अपना पूरा रंग, कहा तो दबंगड़ी दिखाते हैं ये सब लेबर वाले जो कार्यकर्ता हैं, कार्य कर रहे हैं, ईंटे सब अद्धा रोड़ा। रायबरेली में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर इंडियन मेडिकल चैरिटेबल ब्लड सेंटर में आयोजित हुआ। बजरंग दल हर साल 2 नवंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। शिविर में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन को लेकर विभाग संयोजक रमाशंकर त्रिपाठी ने कहा कि बजरंग दल समाज की सेवा के लिए हर तरह से तत्पर है। हम सभी कार्यकर्ता सामाजिक और धार्मिक सेवा के लिए हर वक्त समर्पित हैं। प्रत्येक वर्ष की बात ही विश्व हिंदू परिषद यानी बजरंग दल के तत्वाधान में 2 नवंबर को रक्तदान किया जाता है। ये हुतात्मा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 90 में जब गोलीकांड हुआ था तो उसमें हमारे कई कार्यसेवक शहीद हुए थे और समाज के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जिस किसी को भी रक्त की आवश्यकता होती है संगठन उसे उपलब्ध करवाता है।
लमसम कितने लोग यहाँ पे रक्तदान किया? देखिए अभी कार्यकर्ता हमारे आ रहे हैं, अभी 4-5 लोग पहुँचे हैं और अभी और भी आ रहे हैं, तो अभी जैसा भी होगा तो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को आपको सूचित करेंगे कितने यूनिट ब्लड अभी तक डोनेट हुआ है, क्योंकि अभी शुरुआत ही यहाँ पे आज दरअसल कार सेवा में शहीद हमारे राम भक्तों की याद में प्रत्येक वर्ष बजरंग दल रक्तदान करता है, हुतात्मा दिवस के रूप में मनाता है, जिससे किसी कार्यकर्ता समाज में जो हमारे हिंदू भाई हैं हमारे संगठन के लिए काम करते हैं, कभी रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो समस्याएं आती हैं उनके लिए रक्तदान किया जाता है। और आने वाले इस समय में डेंगू मलेरिया जो भी समस्याएं चल रही हैं उसमें भी किसी न किसी को लाभ पहुंचे, रक्त से किसी की जान न जाए, खून की समस्याएं बहुत हैं इस समय, तो इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष बजरंग दल पूरे देश में रक्तदान शिविर लगा के रक्तदान। लखीमपुर के गोला थाना क्षेत्र के सिनेमा रोड पर 2 मंजिला मकान में आग लगने का मामला सामने आया। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। अज्ञात कारणों से लगी आग ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग के चलते मकान में गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल भीषण आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। लखीमपुर खीरी में पेशी पर आए मुलजिम कोर्ट से फरार हो गया। बता दें कि गुरुवार को मुलजिम करण उर्फ बबलू को पेशी के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान उसे कोर्ट लॉकअप में रखा गया, जहां से पुलिस को चकमा देकर कैदी कोर्ट की दीवार फांद कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस फरार मुलजिम की तलाश में जुट गई है। अब तक फरार कैदी का फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। We'll be right back.